वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में एंड प्रूफ के बारे में। बॉटल में व्हिस्की, राम, जिन, वोडका, जितने भी बॉटल है ना, इसमें दो चीज लिखा रहता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 42.8% वी बाई वी और बगल में लिखा है 75% प्रूफ। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई भी बॉटल में अगर 42.8% लिखा है, उसका मतलब है बॉटल में इतना ही विस्की है और बाकी पानी है। मतलब 42.8% विस्की, बाकी पानी। फिर 75% प्रूफ का क्या मतलब है? बहुत को मालूम नहीं है। मैं बहुत सारे बारटेंडर्स, ड्रिंक एंथुसियास्ट, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट सबको पूछा कि भाई बताओ 75% प्रूफ का मतलब क्या है, तो किसी के पास प्रॉपर आइडिया नहीं है, प्रॉपर आंसर नहीं है। आइए आज इस वीडियो से देखते हैं व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड व्हाट इज प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं? तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। फ्रेंड्स, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक में हमेशा कितना सारा अल्कोहल डाला गया है या कितना सारा अल्कोहल है वो लिखा जाता है परसेंटेज की तौर पे। जैसे कि अगर आप कोई बियर बॉटल देखता है तो वहाँ पर 5% अल्कोहल लिखा रहता है। इसका मतलब है उस पर्टिकुलर बॉटल में पूरा पानी है, सिर्फ 5% अल्कोहल उसमें मिला हुआ है। अगर व्हिस्की का बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है 42.8% और इसका मतलब बाकी पानी। वैसे ही अगर मैं वोडका या जिन का बात करूं तो फिर जिन में कभी कभी 37% या 47% भी अल्कोहल होते हैं, बाकी पानी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? 42.8% तो ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों? तो आइए मैं आपको सिखा देता हूं। ये रहा मेरा एक ग्लास और इसमें 42.8% अल्कोहल है जो लिखा है इस बॉटल में, राइट? तो वी बाई वी, चलिए मैं यहां पर 60 ml उसकी डाल दिया। अच्छा, यहां पर मैंने 60 ml उसकी डाल दिया तो इस विस्की में अल्कोहल परसेंटेज कितना है? 42.8, करेक्ट, क्योंकि मैं यहां से यहां पर डाला, यहां पर अभी तक पानी नहीं मिला है ना, तो अल्कोहल परसेंटेज कितना है? 42.8। अच्छा, तो फिर मैं और 60 ml यहां पर डाल दिया तो अब यहां पर मैंने क्या डाला? 120 ml विस्की, बट इसका अल्कोहल परसेंटेज क्या है? सेम 42.8। बढ़ गया क्या? नहीं ना। घट गया क्या? नहीं ना। तो आपको समझ में आया कि मैंने फर्स्ट वॉल्यूम जब डाला था वो था 60 ml, सेकेंड वॉल्यूम जब डाला था वो था और 60 ml, 120 ml हो गया होल वॉल्यूम, बट अल्कोहल परसेंटेज क्या चेंज हुआ? नहीं, 42.8% ही है। तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसीलिए कहा जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब इस पर्टिकुलर बॉटल में जितना व्हिस्की आप जितना जहाँ भी डालोगे 42.8% ही रहेगा। वॉल्यूम चाहे बढ़ जाए या घट जाए 42.8 ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 42.8% वी बाई वी लिखने का मतलब यह है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब आता हूं प्रूफ के बारे में आपसे बात करने के लिए। तो फ्रेंड, कोई भी बॉटल ले लीजिए, विस्की, राम, जिन, वोडका, तो वहां पर अक्सर लिखा रहता है प्रूफ। ये देखिए, इस बॉटल में भी लिखा है, इस बॉटल में भी लिखा है, सब जगह आपको प्रूफ की उल्लेख किया जाएगा और प्रूफ बताया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं ये बॉटल का जिम बिम वाइट, तो इसमें 75% प्रूफ है। इसका मतलब क्या है 75% प्रूफ? मतलब देखिए, अगर अमेरिका की लॉ की तरह चले तो जो भी अल्कोहल परसेंटेज रहेगा उसका डबल है प्रूफ। अमेरिका का बात करूं, मतलब जैक डेनियल व्हिस्की का अगर बात करूं तो जैक डेनियल में देखिए 40% अल्कोहल लिखा रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसको हम लोग डबल करते हैं तो वहां पर लिखा था 100% प्रूफ, बट यहां पर 75% प्रूफ।
तो इंडिया में अलग किस्म का एक मैट्रिक्स सिस्टम चलता है। चलिए उसको छोड़िए, मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ क्या है प्रूफ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 60 ml विस्की डाल, अब इस विस्की में है 75% प्रूफ, राइट। अब क्या होता है, जब भी हम इसमें पानी मिला लेंगे तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि विस्की डाइल्यूट हो गया, है ना, बोलते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पानी मिला लिया इतना तक, तो विस्की डाइल्यूट हो गया। अब विस्की डाइल्यूट होने के कारण क्या अल्कोहल घट जाते हैं? नहीं, ध्यान करके देखिए, अभी यहां पर अल्कोहल कितना है, 42.8, राइट, और मैंने पूरा पानी डाल दिया, तो क्या अल्कोहल कम हो गया? नहीं, सेम है, याद करिए, सेम है, पानी ऐड हो गया, अल्कोहल सेम है, अल्कोहल बढ़ा या घटा? कुछ भी नहीं, अल्कोहल सेम है, पानी बढ़ गया है, तो घटा क्या? घटा एक चीज और वो है प्रूफ। मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे देता हूं। चलिए, अभी ये रॉ विस्की है, अगर मैं इसमें आग जलाऊंगा, आग से बर्न कीजिए, तो ये जलने लगेगा। आप नोटिस कीजिए, ये जलेगा, एक ब्लू फ्लेम आएगा। अगर मैं इसमें पानी डाल दिया तो क्या आप इसको जला सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि पानी इसको डाइल्यूट कर दिया। तो फिर क्या घटा? प्रूफ, यस। तो ब्रांड बोलता है कि ये 75% प्रूफ है, मतलब ये पोटेंट ड्रिंक है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ड्रिंक है, और ये साबित करता है प्रूफ के जरिए कि मैं आपको जेन्युइन अल्कोहल दिया। अगर मान लेता हूँ कि किसी ने इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला के और लिख दिया 75% प्रूफ, तो आपसे धोखाधड़ी हो रही है। तो ये धोखाधड़ी ना हो, इसलिए 75% प्रूफ को लिखा जाता है बॉटल में। जैसे एक और एग्जांपल देते हो समझ में आ जाएगा, जो दूध वाला आपको रोज दूध देने के लिए आते हैं, वो अगर ज़्यादा पानी मिला के आते हैं और बोलते हैं कि मेरा दूध सही है, एकदम परफेक्ट है, तो क्या आप उसको विश्वास कर लेंगे? आप पकड़ के समझ जाएंगे कि इतना पतला लग रहा है, भाई तुमने पानी मिलाया है। अब देखो, ये तो कंट्रोल करना असंभव है, मतलब मिल्क जो आपको घर में देने के लिए आते हैं उसको कंट्रोल करना असंभव है, बट अल्कोहल को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू अल्कोहल रेगुलेशन। तो उसी हिसाब से 75% प्रूफ। बट मैं आपको बता दूं कि आजकल प्रूफ सिस्टम उतना कारगर नहीं है, आजकल प्रूफ को लेकर उतना माथापच्ची कोई नहीं करता है। बट मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि प्रूफ का मतलब है अल्कोहल पोटेंसी को डाउन करना। आप जैसे जैसे पानी मिलाओगे, प्रूफ डाउन होगा, ना कि अल्कोहल। आप आराम से पी पाएंगे, आपको जलेगा नहीं, इसलिए प्रूफ को डाउन करने के लिए अक्सर हम लोग अल्कोहल में पानी मिलाते हैं। समझ में आ गया, व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, व्हाट इज प्रूफ? अगर समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ब्रिंग रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ब्रिंग एंड ड्राइव। जय हो।